हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बॉलीवुड शॉर्ट्स में। आज मैं आपको 2020 की एक हॉरर ड्रामा फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम द इनविजिबल मैन है। सिसिलिया आधी रात को जागती है, कोशिश करती है कि उसका पति एड्रियन जाग ना जाए। फिर वह बिस्तर के नीचे उस दवा के लिए पहुंचती है जो उसने वहां छिपाई थी। जैसे ही वह बेडरूम से निकलती है, एड्रियन अपनी नींद में थोड़ा हिलता है और उसे पूरी तरह से चौंका देता है। सिसिलिया चुपचाप और जानबूझकर ड्रेसिंग रूम में चली जाती है, जहां उसे कपड़ों से भरा डफल बैग मिलता है और उसमें दवा डाल देती है। इसके बाद वह हॉल के कैमरे को अपने सोते हुए पति की ओर मोड़ती है और जांचती है कि क्या यह काम कर रहा है, ताकि वह उस पर नज़र रख सके। फिर सिसिलिया एक ऐसे कमरे में जाती है जो एक प्रयोगशाला की तरह दिखता है और घर के कैमरे और अलार्म को निष्क्रिय कर देती है। कोई भी आवाज़ उसे डराती है और वह कैमरे में देखती है कि कहीं उसका पति जाग तो नहीं गया है। वह जल्दी से कपड़े पहनती है और चुपचाप गैरेज के रास्ते घर से निकल जाती है। ज्यूस, जो एक कुत्ता, उसके पीछे जाता है और जिससे पहले वह डरती है, वह ज्यूस की इलेक्ट्रिक कॉलर उतार देती है, जब अचानक ज्यूस गलती से कार के अलार्म को सक्रिय करता है और सिसिल फेंस की ओर दौड़ती है। बेडरूम की लाइट उसके कूदते ही जल जाती है। वह जंगल के बीच से भागती है और एक सड़क पर पहुंच जाती है। वहां अपनी बहन एमिली का इंतजार करती है। थोड़ा सा समय बीत जाता है और सिसिलिया भयभीत हो जाती है। आखिर उसकी बहन आती है और सिसिलिया कार में बैठ जाती है। अचानक उसका पति उसके पीछे चिल्लाते हुए आता है और खिड़की तोड़ देता है। वह कार भगा लेते हैं, लेकिन पति को जमीन पर उसकी डाई स्पैम मिलती है। 2 हफ्ते बाद सिसिलिया एक दोस्त जेम्स के घर पर है। वह अभी भी बाहर जाने से डरती है, लेकिन वह उसे मेल बॉक्स में जाने के लिए मना लेता है। जब वह उसे खोलने जाती है तो जॉगिंग करने वाला एक आदमी से डर जाती है और वह अंदर भाग जाती है। अगले दिन सिसिलिया का दोस्त कुछ होम रेनोवेशन कर रहा होता है और सिसिलिया अपने कंप्यूटर कैमरे को कवर कर रही होती है, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। एमिली दरवाजे पर होती है। सिसिलिया यह सोचकर परेशान है कि कहीं उसके पति ने एमिली का पीछा किया होगा, लेकिन उसकी बहन के पास कुछ खबर है। वह उसे अपने फोन पर एक आर्टिकल दिखाती है जिसमें कहा गया है कि उसका पति मर चुका है। सिसिलिया को समझ में नहीं आता कैसे। वह जेम्स और एमिली को बताती है कि जिस तरह से वह उसे परेशान करता था, उसके बोलने और सोचने के तरीके से, उनका शोषण सिर्फ शारीरिक हिंसा पर ही नहीं रुका था। अगले दिन सिसिलिया आराम से बाहर निकल सकती है। आसानी से वह खुद लेटर्स निकाल सकती है और उसके प्रयासों के लिए उसके दोस्त और उसकी बेटी सिडनी द्वारा बधाई दी जाती है। जेम्स को पता चलता है कि उनमें से एक पत्र उसके लिए है। बाद में सिसिलिया और एमिली एक लॉ ऑफिस में हैं। एड्रियन का भाई, जो एक वकील भी है, मृतक की अंतिम इच्छाओं को पढ़ता है, जिसने सिसिलिया के लिए $5 मिलियन छोड़े हैं, इस शर्त पर कि उस पर कभी आपराधिक आरोप या उसे मानसिक रूप से अस्थिर घोषित ना किया जाए। उस रात उसने सिडनी और जेम्स को एक उपहार देकर हैरान कर दिया और उसकी अच्छी देखभाल करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। जेम्स को एक विशाल सीढ़ी और सिडनी को एक बैंक अकाउंट पर्याप्त धन के साथ फैशन स्कूल में जाने के लिए मिलता है। वे जश्न मनाते हैं और फिर सिसिलिया अपने कमरे में चली जाती है। उसे यह एहसास होता रहता है कि कोई उसे देख रहा है। अगली सुबह जेम्स काम के लिए निकल जाता है और सिसिलिया को सिडनी को जगाने के लिए कहता है। वह चूल्हे को चालू रखते हैं और सिडनी को जगाने के लिए जाती है। नाश्ते में आग लग जाती है और लड़की आग को फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाती है। उस दिन बाद में सिसिल घर पर अकेली होती है, लेकिन उसे कुछ अजीब लगता है और वह जांच करने जाती है। वह पूरे घर में देखती है और कुछ नहीं पाती है। तभी अचानक उसे घर का मेन डोर खुला हुआ दिखाई देता है। सिसिलिया मेन डोर की जाँच करती है, वहाँ कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन उसे अभी भी अजीब लगता है। अचानक उसके बगल से एक दूसरी सांस दिखती है। उसी रात सिसिलिया और सिडनी के कमरे में सो रहे होते हैं। अचानक कोई उनके कवर को खींचता है और कमरे में रोशनी के साथ खेलना शुरू कर देता है। सिसिलिया जाग जाती है। उसे लगता है कि उसने कमरे में किसी को थोड़ी देर के लिए देखा है, लेकिन उसे पता चलता है कि यह सिडनी का मैनिकिन है। फिर वह फर्श से कवर लेने जाती है और सोचती है कि उसके बगल में कुर्सी पर कोई बैठा है, इसलिए वह उस पर कवर फेंक देती है। वहाँ कोई नहीं है। वह कवर खींचती है, लेकिन वह हिलते नहीं है। जब वह उन्हें देखती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई उन पर खड़ा है। सिसिलिया जेम्स को बुलाती है।
इस प्रक्रिया में सिडनी को जगाती है और जेम्स कमरे में भाग के आता है। चूंकि ना तो उसे और ना ही उसकी बेटी को दिखाई देता है, वह उसे थोड़ा शांत करता है और कहता है कि एड्रियन की याद उसे परेशान ना करने दे। सिसिलिया का नौकरी के लिए इंटरव्यू है। इंटरव्यूअर उसके साथ फ्लर्ट करता है, लेकिन जब वह देखता है कि वह घबराई हुई है तो उसका काम देखने को कहता है। सिसिलिया बैग खोलती है और उसका काम नहीं होता है। वह और ज़्यादा परेशान हो जाती है और बेहोश हो जाती है। जेम्स अस्पताल में उसके साथ बैठा है और डॉक्टर उसे तब तक आराम करने के लिए कहता है जब तक कि उसके टेस्ट रिजल्ट नहीं आ जाते। सिसिलिया नहा रही है और उसके फ़ोन की घंटी बजती है। वह उठाती है और यह उसके डॉक्टर का फ़ोन है, जो उसे बता रहा है कि उसके बेहोश होने का कारण उसके सिस्टम में डायस्पैम दवाई का हाई डोज है। सिसिलिया डायस्पैम की एक बोतल बाथरूम के सिंक पर देखती है। उस पर खूनी उंगलियों के निशान हैं। बाद में सिसिलिया जेम्स को एड्रियन के भाई से मिलाने साथ ले गई। वह उन्हें डायस्पैम की बोतल के बारे में बताती है और कहती है कि इसे एड्रियन ने वहां रखा था, लेकिन भाई उसकी बात नहीं मानता। फिर वह कहती है कि उसे विश्वास नहीं होता कि वह मर चुका है। वह कहती है कि उसे अदृश्य होने का एक तरीका मिल गया है और उसे यकीन है कि उसका भाई इसके बारे में जानता है। जेम्स हैरान है और एड्रियन का भाई नाखुश है। उसका कहना है कि उसके भाई ने उसके दिमाग में भी घुसकर उसे परेशान किया। वह उसे एड्रियन के मृत शरीर की एक तस्वीर दिखाता है और उसे बताता है कि जब उसके भाई की मृत्यु हुई तो उसे भी राहत मिली। सिसिलिया एमिली से मिलने जाती है और उनके बीच एक अजीब बातचीत होती है, जिसमें उसकी बहन उसे बताती है कि सिसिलिया ने उसे भद्दा ईमेल भेजा है और ईमेल में सिसिलिया ने लिखा है कि उसकी बहन मर जाए। सिसिलिया उसे बताती है कि उसने ईमेल नहीं भेजा, यह एड्रियन ने भेजा है। एमिली उस पर विश्वास नहीं करती और उसे मेडिकल मदद लेने के लिए कहती है। उस रात सिसिलिया अपने ईमेल के सेंट आइटम्स देखती है और एमिली को भेजी गई ईमेल देखती है। सिडनी उसे फर्श पर रोते हुए पड़े देखती है। कुछ सुकून भरे शब्दों के बाद वह बाहर जाने का फैसला करते हैं। सिडनी खड़ी होती है और कुछ उसे हिट करता है। वह तुरंत अपने पिता को बुलाती है, यह सोचकर कि सिसिलिया ने उसके साथ ऐसा किया है। वह उन दोनों को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि यह वह नहीं थी जिसने सिडनी को मारा था, इसलिए वह उसे घर में अकेला छोड़ देते हैं। सिसिलिया जानती है कि एड्रियन वहां है और उसे बुलाना शुरू कर देती है। वह कॉफी कमरे के फर्श पर गिराकर दरवाजे के सामने बैठ जाती है। उसे पक्का विश्वास है कि एड्रियन वहां है। वह उससे बात करती है, अकेले रहने की भीख मांगती है। उसे एड्रियन के फोन पर कॉल करने का विचार आता है और एड्रियन के फोन की आवाज सीलिंग से आती है। सिसिलिया सीलिंग में जाती है और उसकी तलाश शुरू कर देती है, लेकिन कोई नहीं दिखता। वह फिर से फोन करती है और उसकी दिशा में जाती है, जहां उसे एड्रियन की चाबियां और एक चाकू मिलता है। उसको पीछे से एक आवाज आती है तो पेंट उस पर फेंक देती है। तब एक आदमी की शेप दिखती है। वह कोठरी से नीचे उतरती है और उसकी तलाश करती है। तब उसे रसोई में पानी बहता हुआ सुनाई देता है। सिंक पेंट से भरा है। एक अदृश्य हाथ उसे पकड़ लेता है और अचानक उठा लेता है। यह उसे घर के चारों ओर फेंक देता है। वे लड़ते हैं। यह उसका पीछा करता है और गला घोटने की कोशिश करता है, लेकिन वह इससे लड़ती है और घर से बाहर भाग जाती है। सिसिलिया को किसी तरह एक ऊबर मिलती है और उसके ड्राइवर को उस घर में ले जाने के लिए कहती है जहां वह एड्रियन के साथ रहती थी। वे घर पहुंचते हैं और वह ऊबर को वेट करने के लिए कहती है। सिसिलिया अंदर चली जाती है और जूस भी आता है। कुत्ता उसके पीछे बेसमेंट लेबोरेटरी में जाता है, जहां वह सीधे एक गैजेट पर जाती है। वह पता लगाने की कोशिश करती है कि वह दीवार से बंधा एक टैबलेट क्या है और गैजेट को ऑफ करने में सफल होती है। धीरे धीरे एक अदृश्यता सूट का खुलासा होता है। सिसिलिया मैनेकिन का सूट लेती है। जब कुत्ता भौंकता है और किसी चीज की ओर दौड़ता है, उसे सचेत करता है कि घर में कोई और है। सिसिलिया बेडरूम में ड्रेसिंग रूम में छिपने के लिए जाती है, लेकिन अदृश्य आदमी उसके पीछे पड़ जाता है। वह दरवाजा खोलता है, लेकिन वह उसे तुरंत नहीं देख पाता। कुत्ते के भौंकने पर वह भाग जाती है। ऊबर में बैठकर वह एमिली को उस रात उससे मिलने के लिए कहती है। सिसिलिया एक रेस्टोरेंट में अपनी बहन का इंतजार कर रही है, घबराई हुई खाली कुर्सी को देख रही है। जब एमिली आती है तो वह उसे बताती है कि उसने एड्रियन के घर में क्या पाया, जिससे साबित होगा कि वह अभी भी जीवित है। अचानक एक चाकू हवा चीरता हुआ आता है।
जिससे एमिली की मौत हो जाती है। अगले ही पल वह चाकू सिसिलिया के हाथ में है। रेस्टोरेंट में एक आदमी चिल्लाता है और हर कोई डरकर उससे दूर भागता है। सिसिलिया को काबू कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे एक पागलखाने में ले जाया गया। वह चिल्ला रही थी कि उसने ऐसा नहीं किया। कमरे के खाली कोनों को घूरते हुए वह कहती है कि एड्रियन ने उसकी बहन को मार डाला और वह जानती है कि वह वहां है। वह बेहोश हो गई है और अकेली रह गई है। तभी उसे सरप्राइज शब्द सुनाई देता है। जेम्स और एक अन्य जासूस सिसिलिया से पूछताछ कर रहे हैं। वह कहती है कि उसके पास एड्रियन के बारे में सबूत है, लेकिन वह उन्हें यह नहीं बता सकती कि यह क्या है, क्योंकि वह कमरे में है और वह उसे नहीं देख सकते। दूसरा जासूस चला जाता है और वह जेम्स से पूछती है कि क्या वह उस पर विश्वास करता है। वह कहती है कि वह दोषी महसूस करती है। बाद में सिसिलिया एक डॉक्टर से बात कर रही है जो उसे बताता है कि वह गर्भवती है और यह पिछले महीने में किसी समय हुआ था। अगले दिन एड्रियन का भाई उसे पागलखाने में देखने आता है। वह उसे यह बताने के लिए कि चूंकि उस पर आपराधिक आरोप लगाए गए हैं और संभावित रूप से मानसिक रूप से असक्षम घोषित किया गया है, उसने अपना अधिकार खो दिया है एड्रियन के पैसे पर। वह उस पर गुस्सा होती है। उसकी तुलना नाजीवादी मनोरोगी भाई से करती है। वह उसे बताता है कि उसके पास दो विकल्प हैं, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके पैसे भूल जाए या बच्चा पैदा करके एड्रियन के पास वापस चली जाए। वह बोलता है कि उसका नया जीवन एड्रियन के साथ बस एक फोन कॉल दूर है। सिसिलिया मना करती है और जब वह नहीं देख रहा होता है तो उसका एक पेन चुरा लेती है। वह उससे कहता है कि वह उसके अंतिम निर्णय के लिए 3 दिनों में वापस आ जाएगा। उस रात को बाद में सिक्योरिटी ने सिसिलिया के कमरे की अच्छी तरह जांच की और निकल गई। फिर सिसिलिया शॉवर में चली गई। वह कलम लेती है और जैसे ही अपनी नसों को काटते हुए कहती है कि तुम्हें बच्चा नहीं मिलेगा, अचानक अदृश्य आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और सिसिलिया उस पर बार बार पेन से वार करती है। सिक्योरिटी गार्ड अंदर आता है लेकिन क्षतिग्रस्त सूट देखता है। वह अदृश्य आदमी को शॉक देने जाता है लेकिन वह स्टन गन को वापस गार्ड पर घुमा देता है। सिसिलिया दौड़ती है लेकिन 2 गार्डों द्वारा जल्दी से रोक दिया जाता है। वे उसे वापस उसके कमरे में ले जा रहे हैं और वह आदमी फिर से आ जाता है और गार्डों को मार डालता है। और अधिक गार्ड आते रहते हैं और एक एक करके सभी मारे जाते हैं। इस बात से पूरी तरह अनजान होते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। उस मंजिल पर आखिरी गार्ड को मारने के बाद वह आदमी बंदूक फेंक देता है। सिसिलिया उसके पीछे दौड़ती है और पिस्तौल ले जाती है। वह सीढ़ी तक उसका पीछा करती है और उसके पीछे गोली मारती है। वे दोनों बिल्डिंग छोड़कर भारी बारिश में बाहर चले जाते हैं। सिसिलिया हाथ में बंदूक लिए हुए उसकी तलाश कर रही है। वह एक शोर सुनती है और उसके पीछे जाती है, जबकि सिक्योरिटी गार्ड भी उसके पीछे होते हैं। उसके सामने एक खुला ट्रंक है। वह यह सोचकर उसके पास पहुंचती है कि वह वहां छिपा है। वह अचानक उसे पकड़ लेता है और उसका गला घोटना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि अगर वह नहीं मानती तो वह उसे चोट पहुंचाएगा जिन्हें वह प्यार करती है, जैसे कि सिडनी। सिसिलिया फिर से उसके पीछे जाती है लेकिन जब वह बाढ़ से बाहर निकलती है तो अदृश्य आदमी अपनी कार उसकी ओर भगाता है। तभी वह उस पर गोली चलाती है जिससे दूसरी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। सिसिलिया उस कार को चुरा लेती है और लगातार उसके पीछे जाती है। कार चलाते समय वह जेम्स को फोन करती है और उसे घर वापस जाकर सिडनी की रक्षा करने के लिए कहती है। अदृश्य आदमी घर पर आता है और उसके कमरे में चला जाता है। सिडनी उठती है और अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालती है। चूंकि वह उसे हिलते हुए सुन सकती है इसलिए वह उस पर स्प्रे करती है और वह गिर जाता है। सिडनी चिल्लाती हुई भाग जाती है लेकिन आदमी उसे पकड़ लेता है। उस समय जेम्स घर पर आता है। बजाय सिडनी के वह जेम्स पर हमला करना शुरू कर देता है। सिडनी उससे विनती करती है कि वह पिता की पिटाई ना करे। जब अचानक सिसिलिया आती है और उसे फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करती है, फिर उसे गोली मार देती है। वह शरीर के ऊपर जाती है और मुखौटा उतार देती है, केवल यह दिखाने के लिए कि यह एड्रियन का भाई था। एक स्पेशल पुलिस टीम एड्रियन के घर जाती दिखाई देती है। एड्रियन के घर के अंदर से मदद की पुकार सुनाई देती है। पुलिस ने तहखाने में एक दीवार को तोड़ती है और एड्रियन को बंधा हुआ पाती है। बाद में जेम्स सिसिलिया को बताता है कि जेम्स अपने घर पर कैसे मिला, लेकिन वह यह नहीं मानती कि वह उसके भाई का शिकार था। जेम्स उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन सिसिलिया को लगता है कि एड्रियन ने अपने भाई को फंसाया है, जिससे उसे लगे कि वह पागल है। उस रात वह वापस घर चली जाती है। जेम्स वेट कर रहा है, उसे देखकर खुश होता है। हालांकि सिसिलिया जेम्स को देखकर खुश नहीं होती।
वह डिनर के लिए बैठते हैं और वह उसके साथ संवेदनशील होने की कोशिश कर उससे माफी मांगता है, यह कहते हुए कि उसने अपना सबक सीखा है। वह चाहती है कि उसने जो भी किया उसे स्वीकार करे, लेकिन वह कसम खाता रहता है कि उसका भाई उसे कंट्रोल कर रहा था। सिसिलिया लगातार कहती है कि वो अपना जुर्म स्वीकार करे, और इस बीच जेम्स घर के बाहर सब सुन रहा है जो दोनों कह रहे हैं। जैसे ही वह रो रही है, एड्रियन उसे समझाने के लिए आता है, लेकिन फिर से अपने सिसिलिया को कंट्रोल करने के तरीकों पर वापस आ जाता है। सिसिलिया खुद को साफ करने के लिए बाथरूम जाती है। जेम्स टेबल पर उसका इंतजार करता हुआ दिखाई देता है। सिसिलिया के चले जाने के बाद वह बेचैन हो जाता है और अचानक खुद को मार लेता है। एक पल के बाद सिसिलिया वापस आती है और तुरंत आपातकालीन सेवाओं को कॉल करती है। वह सुरक्षा कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट पर बैठकर उसे मरते हुए देखती है। जेम्स घर की तरफ दौड़ता है यह सब जानने के बाद, और सिसिलिया को जाते हुए देखता है। वह उसे बताती है कि एड्रियन ने खुद को मार डाला था, लेकिन जेम्स इनविजिबल होने वाले सूट को एक डफल बैग में देखता है और पूछता है कि क्या उसने इसकी योजना बनाई थी। सिसिलिया सीधे सवाल का जवाब नहीं देती है, वह सब कुछ छोड़कर घर से निकल जाती है। सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप इस तरह के और वीडियोस देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।